हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो मध्य प्रदेश पीएससी के प्री में जो एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के रूप में, तो उनको हम देख रहे हैं। जैसे कि विभिन्न जो वेबसाइट होती है, माई गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह है ना, वहाँ से उस पोर्टल से जो एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको एक एक से हम देखते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले देखते हैं सीएम राइज स्कूल, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई राह मिली है। इससे सीएम राइज से क्या अपला है, मध्य प्रदेश नई शिक्षा को नई राह मिली है। इसमें क्या है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की जा रही है। आगे क्या दिखा है, शिवराज सिंह चौहान क्या बोलते हैं इसके बारे में कि राज्य में उच्च गुणवत्ता के साथ परिणाम उन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की जा रही है। इन स्कूलों का लक्ष्य विश्व स्तरीय शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों के ज्ञान कौशल वर्धन के साथ ही भारतीय परंपरागत मूल्यों, संस्कृति एवं नवाचारों को समावेशित कर बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है। इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, किसी जो सीएम राइज स्कूल होती है उसकी कितनी विशेषता हैं, तो डायरेक्ट आंसर उसमें ऑप्शन दिया होगा 2, 4, 8, 20 है ना, तो 10, तो आंसर क्या होगा 10 होगा। इसमें से क्या क्या आएंगे, जैसे कि सबसे पहले कि विश्व स्तरीय अधोसंरचना होगी, परिवहन की सुविधा होगी, नर्सरी या पूर्व जो प्राथमिक कक्षाओं से 12वीं तक इसमें पढ़ाई होगी, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, आजकल जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और 100% स्टाफ होगा है ना, और सब प्रकार के स्टाफ होगा उसमें, सफाई कर्मचारी से पानी देने वाला, पढ़ाने वाला, और स्टाफ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, पूर्ण स्मर्द सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, वाचनालय सब कुछ होगा उसमें, और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल कार्यक्रम चलेगा उसमें, और व्यावसायिक शिक्षा भी होंगी और पालकों की सहभागिता होंगी। इस प्रकार से ये अपना हो जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के वेबसाइट से मिला हुआ है सीएम राइज स्कूल का एक एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा आता है कि ऐसे मिले जुले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आएंगे, पढ़ते जाएंगे और अच्छे से क्लैरिटी आती जाएगी। दूसरा आएगा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में 37 लाख नए हितग्राही जुड़े हैं। क्या दिया है इसमें कि जरूरतमंदों के साथ हर कदम पर सरकार है। देखो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो आत्मनिर्भर निधि योजना है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रदेश के 25 श्रेणियां के पात्र लगभग 37 लाख हितग्राही जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किए जाने का अभियान प्रारंभ किया गया है। 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था, अब उन्हें 1 रुपया प्रति किलोग्राम में 5 किलो गेहूं, चावल एवं 1 किलो नमक का पैकेट प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल माह से दिया जाने वाला निःशुल्क राशन अब नवंबर माह तक प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अतिरिक्त रूप से अप्रैल 2020 से 5 किलो प्रति हितग्राही निःशुल्क खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जा रही है। हर हितग्राही को खाद्यान्न देने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार, ये एडवर्टाइजमेंट है इसका। आगे दिया है इसमें आत्मनिर्भर निधि योजना में, जैसे शहरी पथ विक्रेता ऋण, इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, जैसे कि नाई हो गया, बांस की डलियां बनाने वाले हो गए, कबाड़ी वाला हो गया, लोहार हो गया, पनवाड़ी, मोची, चाय की दुकान, सब्जी भाजी, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हथकरघा, आइसक्रीम पार्लर सहित इसमें 35 व्यवसाय शामिल हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें 35 व्यवसाय में तो देश में नंबर वन पर मध्य प्रदेश आएगा इसमें, ठीक है। क्या क्या आ गया इसमें, 378 नगर निकायों में 878,485 स्ट्रीट वेंडरों का पंजीयन हो चुका, अभी तक 453,885 आवेदन स्थापित सत्यापित हो चुके हैं और ऐसे परिचय पत्र वगैरह वितरित हो गए हैं। लोन स्वीकृति हेतु बैंकों को 293,000
219 प्रकरण प्रसिद्ध कर दिए गए हैं, है ना, लोन वगैरह के लिए सब। देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों में 47% सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही आए हुए हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना प्रारंभ करने वाला पहला मध्य प्रदेश राज्य है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें डाटा दिया हुआ है। ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण में क्या है कि योजना के अंतर जो कैश शिल्पी होते हैं, हाथ ठेला चालक होते हैं, साइकिल जो रिक्शा चालक होते हैं, कुम्हार होते हैं, साइकिल ये मोटरसाइकिल जो मैकेनिक होते हैं, वड़ई ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलर, ये कर्मकार, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। अगला इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख लेते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण से ही संबंधित हैगा, जैसे कि जो कि मध्य प्रदेश नंबर वन चल ही रहा है स्वच्छता के मामले, स्पेशली जो हमारा जो इंदौर हैगा, तो इसमें धन्यवाद मध्य प्रदेश आपका सहयोग, ये सब दिया गया है कि देश में लगातार छठी बार नंबर वन शहर इंदौर बना हुआ है स्वच्छ शहर के मामले में। और स्वच्छता में मध्य प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। 85% यानी 323 नगरी निकाय ODF प्लस प्लस से प्रमाणित हो गए हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या के टॉप 1600 शहरों में से 30 शहर शामिल होंगे। और स्वच्छता में प्रदेश के 99 शहरों को स्टार रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। और 1 लाख से कम जनसंख्या के टॉप 100 शहरों में हमारे 19 शहर शामिल होंगे। अगला है विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई थी उसके माध्यम से कि 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 29 लाख से अधिक रोजगार के प्रवेश द्वार खुलेंगे इसमें। समिट की विशेषता क्या थी इसमें कि 84 देशों के 5,000 प्लस प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 400 प्लस अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस वायर्स एंड डेलीगेट्स थे। 20 सेक्टोरल सेशन थे इसमें और G20 सभी देशों की बिजनेस वगैरह जो सब थे। अगला ये खाद्यान्न से संबंधित रहेगा, इसको और देख लेते हैं अच्छे से। जैसे कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अपन को पता है आया हुआ है, MPPSC के यूनिट 10 में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 1 जनवरी 2023 से सभी पात्र परिवारों को गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें जो पात्रता श्रेणी और वितरण मात्रा प्रतिमाएँ दो टाइप की योजना चलती है, अंत्योदय अन्न योजना चलती है, प्राथमिकता योजना चलती है। जो अंत्योदय अन्य योजना उसमें 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार मिलता है राशन, और प्राथमिकता में क्या है 5 किलोग्राम प्रति माह चलता है यहाँ पर। और हितग्राही को ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैगा कि POS मशीन होती है, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, उसमें अंगूठा लगाते समय आपका जारी खाद्यान्न मात्रा की आवाज़ को ध्यान से सुने। POS मशीन से निकलने वाली पर्ची जो रसीद प्राप्त होती है उसमें अंकित जो कितनी आपको राशन मिला है उस पर कितना लिखा हुआ है, राशन को प्रदाय मात्रा का मिलान मोबाइल नंबर पर जो OTP मिलता है उससे करना है। जो रसीद मिली है वो मोबाइल पर OTP आया है ना, सॉरी जो मोबाइल नंबर पर जो SMS प्रोवाइड हुआ है उन दोनों से मैच करना है। निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त न होने या सही मात्रा न मिलने पर 181 जो CM हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में हैगा उस पर आप कंप्लेंट दर्ज कराएँ। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए एक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से सब चीज़ें हो रही हैं। अगला एडवर्टाइजमेंट है इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शिता से आत्मनिर्भरता की राह पर मध्य प्रदेश। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जिसमें हर वर्ग के विकास को इसका लाभ मिल सके, हर वर्ग को लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सेक्टर का चुनाव किया है जो सरकार की $550 बिलियन अर्थव्यवस्था की सोच को साकार करने में सहयोग करेगा। ये सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, कृषि हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा, एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र वगैरह हो जाते हैं। अब इसके और देखते हैं कि प्रदेश को गति देने हुए प्रमुख सेक्टर जैसे कि IT सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। IT के मामले में मध्य प्रदेश अब मेट्रो स्टेटस को टक्कर देने की तैयारी में है। इंदौर सबसे बड़ा सेंटर रहेगा, यहाँ कई बड़ी कंपनियाँ कारोबार कर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रही हैं। प्रदेश के 150 से अधिक ESDM यूनिट और 220 से अधिक IT और ITS यूनिट मौजूद होंगे।
प्रदेश में 4 स्पेशल आईटी इकोनॉमिक जोन आएंगे, 10 आईटी पार्क आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मौजूद आएंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उचित दर पर 24 घंटा यहाँ पर बिजली मिलती है और लो रिस्क सीस्मिक जोन के कारण डाटा सेंटर स्थापित करने की यहाँ पर आदर्श स्थान हो गया है। टेक्सटाइल गारमेंट के बारे में देख लो, मध्य प्रदेश 43% भारतीय और 24% वैश्विक जैविक रुई का उत्पादक राज्य है। कितना आएगा? 43% भारतीय और 24% वैश्विक जैविक रुई का उत्पादक राज्य है। 60 से अधिक टेक्सटाइल यूनिट में 4000 से अधिक लूम्स और 2.5 मिलियन स्पिंडल कार्यरत होते हैं। राज्य की टेक्सटाइल सेक्टर में स्पिनिंग से लेकर बुनाई गारमेंटिंग की सभी प्रक्रियाएं यहाँ सुचारू रूप से संचालित हैं। भारत सरकार की PLI योजना में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर को 3,513 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। गारमेंट यूनिट के प्लांट एवं मशीनरी के निवेश में 200% तक का पॉलिसी इंसेंटिव है। 200 से अधिक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर इंदौर में अप्रैल डिजाइनिंग सेंटर में आएंगे। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट NIFT, NIT भोपाल और जो IIMDM जबलपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाइनिंग में स्किल रिसोर्स प्रदान ये किए जा रहे हैं। डिफेंस में देख लो, रक्षा उपकरण निर्माण के लिए रणनीतिक स्थान आएगा। रेयर अर्थ मेटल अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण हेतु भोपाल में रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क प्रस्तावित हो गया है। भोपाल में 6 राज्य PSU होंगे, जबलपुर में 4, कटनी में 1 इटारसी में हो गया। भोपाल की पहली आर्म उत्पादक हेतु निजी इकाई मालमपुर में आएगी, मालमपुर भिंड में आता है। और 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर हवाई अड्डा गतिविधि के लिए उद्योग सिविल हवाई जहाजों के लिए 26 पट्टियां आएंगी। इंदौर के पास मेगा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र के साथ ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। फूड प्रोसेसिंग में देख लो, कृषि मध्य प्रदेश की ताकत हैगी, इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यह आदर्श राज्य भी हैगा। यही खूबिया के इस देश के अन्य राज्यों से इसको अलग बनाती है। मध्य प्रदेश को भारत का एक फूड प्रोसेसिंग बास्केट कहा जाता है। 45 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि जो 10 प्रमुख नदियों से जुड़ी हुई है, जिसके कारण राज्य में उत्तम सिंचाई व्यवस्था आएगी। मसाला, संतरा, अदरक, लहसुन, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को विशेष रियायत के साथ राज्य में 8 सरकारी फूड पार्क, 2 निजी मेगा फूड पार्क मौजूद होंगे। 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिल चुका है। फार्मास्यूटिकल में देख लो, इंदौर, देवास, भोपाल, मंडीदीप, मालनपुर, मंडीदीप रायसन में आता है, पीतमपुर धार में आता है, मालनपुर भिंड में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया इसके 12वां मुरैना जिले में आता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सके हैं कि कौन से जिले में आता है, इकोनॉमिक जोन में हैंगे। 300 फार्मा और मेडिकल डिवाइस यूनिट से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। साल 2021 में राज्य से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का फार्मा निर्यात किया जा रहा है और कुल 160 से अधिक देशों में राज्य में बनने वाली दवाएं निर्यात हो रही हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ब्राज़ील, हॉलैंड ऐसे बहुत सारे देश प्रमुख हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के सृजन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध रहेगा। राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता साल 2012 की तुलना में कितना? 11 गुना बढ़ गई है। पर्याप्त सोलर रेडिएशन के साथ राज्य सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए आदर्श राज्य भी बन गया है। जैसे अपना जो रीवा का गुड़ा है, वहाँ पर सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन गया है। तकनीकी रूप से मौजूद नवीनीकरण ऊर्जा पॉलिसी बना करके नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन करने वाला पहला राज्य, सब चीज़ें हैंगी अपने पास नवीनीकरण ऊर्जा का। और जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 20% का योगदान आएगा इसमें नवीनीकरण ऊर्जा के ऊर्जा के क्षेत्र में। सांची को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टार्टअप नीति है जो मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पाद आधारित स्टार्टअप को विशेष सहयोग की व्यवस्था आएगी। हर तरह के आर्थिक सहयोग और जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल आएगा। राज्य में 2,500 से अधिक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 35-45 से अधिक इंक्यूबेटर रहेंगे। महिला उद्यमियों द्वारा 1100 से अधिक स्टार्टअप संचालित होंगे।
राज्य में 26 लाख से अधिक एमएसएमई, राज्य की जीडीपी में 25.68% इनका योगदान आएगा एमएसएमई का। और विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग पार्क सोलर पार्क ओंकारेश्वर में लगाया गया है, और रीवा में जो सोलर प्लांट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सहयोग से बना हुआ है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का टेस्टिंग ट्रैक है, इस कारण आधा दर्जन बड़ी कंपनियां पहले से यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएंगी। छूट का बड़ा दायरा बढ़ा करके सरकार अन्य बड़े उद्योग घरानों को न्योता दे रही है। 10 लाख से अधिक उपकरण मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर रहेंगे, 2770 से अधिक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर रहेंगे, 4500 हेक्टेयर में फैला पीथमपुर औद्योगिक क्लस्टर रहेगा। नेटरैक्स पीथमपुर एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक आ गए। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग में देख लो कि लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग के लिए बेहतर सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी आएगी। देश के लोगों मध्य में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक बेहद सुविधाजनक रहेगा। देश की 50% जो आबादी है राज्य के प्रभाव क्षेत्र में होने से प्रमुख उपभोक्ता बाजार तक पहुँच है इनकी। 40 MMT की वेयर हाउसिंग क्षमता, 13.2 MMT की कोल्ड स्टोरेज क्षमता आएगी। भारत सरकार के सहयोग से इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। स्टील साइटों के निर्माण में अग्रणी राज्य आए। लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग इकाइयाँ पार्क के लिए आकर्षक इंसेंटिव पॉलिसी वगैरह ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अगला देख लिया गया अपन कि जो CM राज स्कूल के बारे में एडवर्टाइजमेंट आएगा। CM राज स्कूल मध्य प्रदेश में शिक्षा की नई उड़ान के लिए आएगा। शिवराज सिंह चौहान इसके बारे में क्या बोलते हैं कि राज्य में जैसा कि अपन देखा तो वही सेम कमेंट आएगा। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल से CM राज्य स्कूलों की स्थापना की जा रही है। अभी अपन ने जो इसकी जो 10 प्रमुख विशेषता देख ली, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि CM राज्य स्कूलों की कितनी विशेषताएँ 10 आएंगी। दोबारा से देख लेते हैं इनको कि विश्व स्तरीय अधोसंरचना आएगी, स्टाफ की क्षमता में वृद्धि होगी, परिवहन की सुविधा होगी, पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला वाचनालय पाठ्योत्तर सुविधाएं वगैरह होंगी, नर्सरी से लगा करके क्लास 12 तक कक्षाएं होंगी, और 21वीं सदी के अनुरूप कौशल कार्यक्रम होंगे, और स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग होगी, व्यावसायिक शिक्षा होगी, पालकों की सहभागिता होगी, 100% स्टाफ वगैरह होगा, यानी जो सहायक स्टाफ होगा उसको भी इंक्लूडिंग कर दिया गया। एक और इससे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, CM स्कूल राज बच्चों का स्वर्णिम भविष्य। उच्च गुणवत्ता शिक्षा हेतु सर्व सुविधा संपन्न विश्व स्तरीय 9200 राज CM राज स्कूल हैंगे। इंपॉर्टेंट है कितने स्कूल हैंगे, 9200 CM राज स्कूल। उत्कृष्ट राह की ओर लंबी छलांग, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NASA है ना, जो नेशनल सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग 21-22 का देश में मध्य प्रदेश का कौन सा आएगा, इसमें 5वां स्थान आएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा त्रिवार्षिकीय समय अवधि में शैक्षिक गुणवत्ता की परख हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है NAS का आयोजन किया जाता है। कौन से त्रिवार्षिक समय अवधि सम्मेलन होता है जिसमें राज्यों की शैक्षिक रैंकिंग निर्धारित होती है। कौन करता है इसको, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे। तो वर्ष 17 में सर्वे के माध्यम से देश में 17वां स्थान था, लेकिन कोविड संकट काल के पश्चात 21 में जब सर्वे हुआ था तो देश में कौन सा 5वां स्थान आया था है। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत किए जा रहे अथक प्रयासों का परिणाम स्वरूप है। यहाँ पर दिया है देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आएगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के 21-22 के अनुसार 5वां आएगा। इसकी पहल कौन कौन सी होंगी ये देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो पहल है जो ऐसे अनुगंज, उमंग, ECCE, FLN। देखो अनुगंज में क्या है कि स्टीम में क्या हो गया, साइंस हो गया, T4 टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स हो गया और मैथ्स हो गया के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य जाएगा। यह कार्यक्रम बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कौन, अनुगंज। स्टीम इसमें आएगा, स्टीम का फुल फॉर्म क्या हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। उमंग एक जीवन, उमंग है ना जो जीवन, एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम है जो स्वस्थ मानसिक
को मानसिकता को बढ़ावा देने और सही दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ECEI आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ECCE प्रशिक्षण चलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु। अब सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ECCE किससे संबंधित देगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण से संबंधित देगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण और डिजिटल मॉड्यूल द्वारा संचालित मिश्रित व्यक्तिगत प्रशिक्षण मॉडल आएगा, FLN है ना। तो ये क्या आएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तीसरी कक्षा तक सभी छात्रों में पढ़ने लिखने और गणित के बुनियादी कौशल विकसित करने से संबंधित आएगा। अगला एडवर्टाइजमेंट क्या आएगा? ये आपका राशन आपका अधिकार, ये जो फूड प्रोसेस उससे संबंधित आएगा, खाद्य संरक्षण से संबंधित। आपका राशन आपका अधिकार, सही मात्रा में राशन प्राप्त करना आपका अधिकार है। जो उचित मूल्य की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ से कैसे पुष्टि करें अपन इसको? जो पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है उस पर अंगूठा लगाते समय मशीन में आवाज़ आती है कि कितने किलो राशन आपको जारी हुआ है। आवाज़ को ध्यान से सुने और अपन को जो राशन मिला है उससे मिलान करना है। जो पॉइंट ऑफ सेल है मशीन से निकलने वाली पर्ची होती है उसको प्राप्त करें और अंकित राशि का मिलान करें। फिर मोबाइल पर जो मैसेज भी आता है इससे संबंधित उससे भी मिलान करें। प्रतिमान निर्धारित राशि की मात्रा, जैसे कि प्राथमिक श्रेणी के परिवार खाद्यान्न 5 किलो प्रति सदस्य, नमक 1 किलोग्राम प्रति परिवार। अंत्योदय में देख लीजिएगा, जैसे जो खाद्यान्न होता है 35 किलोग्राम मिलता है, नमक 1 किलोग्राम, शक्कर 1 किलोग्राम मिलती है। इसके साथ साथ 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। राशन प्राप्त न होने या सही मात्रा न मिलने से 181 पे शिकायत भी कर सकते हैं। इसमें जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को मिले राष्ट्रीय मंच, जैसे जो खेलो इंडिया अभी गेम्स हुए थे जिसमें कि 30,000 प्लस भागीदारी इसमें हुई थी, 23,000 के करीब एथलीटों को मदद मिली थी, 1,000 अकादमी को सपोर्ट मिला था। फिट इंडिया इवेंट्स में 23 करोड़ प्लस भागीदारी मिली थी। इसमें क्या रहता है कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। 17-18 से लगा करके 19-20 के बीच खेलो इंडिया के लिए 1,756 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। 2025-26 तक खेलो इंडिया आयोजन का विस्तार किया जा रहा है और 2021-22 से लगा करके 21-22 से लगा करके 25-26 के लिए 8,700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश का गौरव, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ग्वालियर निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर रहेंगे सतेंद्र सिंह लोहिया। सीधा क्वेश्चन है कि सतेंद्र सिंह लोहिया का संबंध कौन से खेल से आएगा? ये पैरा स्विमर रहेंगे, इन्होंने की अनोखी फैलेगी क्या आएगी कि सतेंद्र सिंह लोहिया ने शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दिव्यांगजन सशक्तिकरण खेलो यात्रा। इसमें क्या हुआ था, युवाओं एवं दिव्यांगजनों को खेलों के प्रति जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगी यह यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कन्याकुमारी से इनके माध्यम से की गई थी। अब है कि जो मध्य प्रदेश का गौरव, प्रदेश की बेटी बुसरा ने बनाया नया रिकॉर्ड। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है और बुसरा ने जूनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया है। अगला आगे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता क्या नाम है इनका? लाडली बेटी मुस्कान भूरिया को प्यार और आशीर्वाद देता हूँ, बेटी तुम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए प्रदेश का नाम रोशन करती रहो। शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं। नाम क्या आएगा? मुस्कान भूरिया। संबंध खेल से कौन सा आएगा? तीरंदाज से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मुस्कान भूरिया का संबंध कौन से खेल से आएगा, अपना आंसर होगा तीरंदाजी। कौन सा पदक जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक इन्होंने इनके इनको इन्होंने जीता है। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, ये पद्म श्री से 3 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं अभी कौन कौन सी विभूतियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इसमें क्या आएगा, झाबुआ के जो दंपत्ति आएंगे श्री रमेश पमार और श्रीमती शांति पमार को जनजाति गुड़िया एवं पारंपरिक जनजाति प्रधान बनाने के लिए कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है इनको। और जबलपुर के जो चिकित्सक हैं मुनीश्वर चंद्र डावर को, जो इलाज वगैरह करते हैं वो सस्ता इलाज करते हैं, इनको मिला है। और एक जो बैगा भाई हैं उनको भी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार। तो 3 विभूतियों को पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश में। अब आएगा कुसुम अपरियोजना में क्रियान्वयन, देश के प्रथम 5 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो गया है। तो कुसुम बी है जो शीघ्र ही चालू होने वाला है, 6000 सोलर पावर जो पंप होते हैं उनका वितरण से संबंधित रहेगी। जो कुसुम योजना के से सोलर जो पंप होते हैं उनसे वितरण के संबंधित रहेगी। जो कुसुम सम है केंद्र से प्राप्त 270,000 पंपों के संपूर्ण फीडर्स वर्ष 26 तक होंगे सौर ऊर्जा कृत। फीडरों को सौर ऊर्जा कृत करने के लिए 1250 मेगावाट की परियोजना का क्रियान्वयन होगा। अगला आएगा बच्चों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेगी मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना। कक्षा 5 से 12वीं तक होती है ये। इसमें क्या है, योजना द्वारा बच्चों की रचनात्मक वैज्ञानिक सोच और कल्पना शक्ति को व्यवहारिक रूप मिलेगा। योजना में प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय 31,000, तृतीय 51,000 रुपये का, सातवना पुरस्कार में 11,000 और जो पुरस्कार राशि 20% राशि बच्चों को मेंटर के उनको मिलेगी है। मित्र हेल्पलाइन इसको देखें, कॉल भी लगाएंगे और समाधान भी पाएंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की विशिष्ट आवासीय छात्रावास और आश्रम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी। जो SST के हॉस्टल वगैरह होते हैं उनके लिए ये कि विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य और करियर संबंधी काउंसलिंग और मार्गदर्शन आएगा। शिक्षा स्वच्छता भोजन पानी स्वास्थ्य व या सुरक्षा आदि से संबंधित समस्या और सुझाव होगा। कॉल SMS व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से शिकायतों का निर्धारण समय समय सीमा में हो जाएगा। टोल फ्री नंबर आएगा इसमें 1800233-6136। ऐसे व्हाट्सएप मेल और मेल वेबसाइट सब कुछ इसमें दिया गया है। अगला आएगा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। क्वेश्चन आएगा संबल योजना कैसे संबंधित देगा, तो श्रमिकों के जीवन में लाएगी उजियारा, परिवार को देगी जीवन भर सहारा। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर या sambal.mp.gov.in पर अपना पंजीयन कराएं। इससे कौन कौन से लाभ होंगे, यदि संबल योजना का कार्ड है किसी के पास, अगर कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्य मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान आएगा। कृषि के लिए नवीनतम एवं बेहतर उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। महिला श्रमिकों के लिए गर्भावस्था में उपचार और प्रसव के लिए सुविधा आएंगी। अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि प्रदान करना, आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा इसमें। अगला आएगा इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया आत्मनिर्भर, मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम, आत्मनिर्भर होंगी लाडली बहना। देखो जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है इसमें क्या है, सशक्त नारी सशक्त परिवार। ऐसे ही अपन देखते हैं कि सबसे छोटा जो मतलब सिक्वेंस है, क्रम है, नारी होती है, यदि नारी सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा देख समाज सशक्त होगा, परिवार और समाज सशक्त होगा प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा देश सशक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि पात्र जो लाभार्थी उनको 1000 रुपया महीने का मिलेगा। साल में 12 महीने होते हैं तो एक साल में 12,000 मिल जाएंगे। 5 साल सरकार चलेगी तो 12×5=60,000 रुपया इनको मिल जाएगा, जो भी इससे संबंधित लाभार्थी होंगे। इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं इसको देख लेते हैं। जो महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाएगा। परिवार के स्तर पर निर्णय लेने लिए जाने में महिलाओं का प्रभावी भूमिका में प्रोत्साहन होगा। इससे महिलाओं के हित में मध्य प्रदेश सरकार का विनम्र प्रयास। अब इसके बारे में और भी डिटेल दी गई है, हालांकि निकल गया पूरा प्रोग्राम, फिर भी देख लेते हैं डिटेल क्या है कि जो लाडली बहना योजना आएगी इससे बदलेगी महिलाओं की ज़िंदगी। अभी अपन ने उद्देश्य तो देख लिए थे इसके कि भाई आत्मनिर्भर हो जाएंगी, ठीक है, बच्चों वगैरह उनके लिए स्वास्थ्य पोषण पर इनसे पैसा दे दिया जाएगा, परिवार स्तर पर इसको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा जेब में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 23 से 60 वर्ष की जो विवाहित बहन होती हैं, जिनकी जो महिलाएं होती हैं 23 से 60 जिनकी शादी हो गई ना, और जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष तक है, उन्हीं को इनका लाभ मिलेगा। और जो प्रत्येक पात्र बहन को कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनकी आधार लिंक्ड DBT इनबिल्ड बैंक खाते में चला जाएगा। 25 मार्च से ये प्रारंभ हो गया आवेदन भरना। इसमें आवेदन के लिए हर वार्ड और गांव में शिविर लग रहे हैं। EKYC के जो शुल्क 15 रुपया है, जिसको कौन सरकार
अदा कर रही है। और योजना की जो पहली किस्त है 10 जून को खाते में आ जाएगी। आइए मनाएं बेटियों की मुस्कान का उत्सव, लाडली लक्ष्मी उत्सव। जिला, राज्य, देखो नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के सम्मान एवं संवाद में ये बोला हुआ है, लाडली फ्रेंडली पंचायतों का सम्मान, लाडली लक्ष्मी वाटिकाओं में वृक्षारोपण, हर ग्राम पंचायत में एक वृक्ष लाडली लक्ष्मी के नाम, लाडली लक्ष्मी क्लबों का गठन। अगला है कि मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि। देखो इसमें पिछले 3 साल में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की नई सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। यहाँ पर ऐसे ग्राफ दिया गया है, ये चार्ट दिया गया है। 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई होती थी, 2022 में आके 45 लाख हेक्टेयर की होने लगी और 2025 में कितनी होने लगी, 65 लाख, इसमें बढ़ावा हो जाएगा। तो 3 साल में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक नई सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगी। और नर्मदा कछार की जो 24,500 करोड़ से अधिक लागत की 5,50,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता वाली 12 परियोजनाओं के निर्माण की शुरुआत हो गई है। 44,600 करोड़ से अधिक लागत की कैन बेतवा लिंक परियोजना है। देश की पहली बृहद प्रेशराइज पाइप सिंचाई परियोजना मोहनपुर कुंडलियां अनुमानित 85,000 करोड़ की लागत से ये सब बनेगा। अगला ये देख लेते हैं, लाडली बहना महासम्मेलन, 1 लाख लाडली बहनों को संबोधन किया जाएगा इसमें। और लाडली लक्ष्मी उत्सव अभी अपन ने देखा था इसके बारे में। एमपी में वंदे भारत, इसको देख लेते हैं। जो वंदे भारत ट्रेन होती है इसमें क्या है कि रानी कमलापति से नई दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की 11वीं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत है जो कि मध्य प्रदेश में चालू हुई है। 11 घंटे का सफ़र है, वो 7.5 घंटे में तय हो जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतम इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। सीसीटीवी होगा इसमें, वाईफाई भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। कवच अत्याधुनिक आग नियंत्रण प्रणाली से युक्त होगी, टच फ्री सुविधाओं के साथ वायु वैल्यू वैक्यूम शौचालय वगैरह होंगे। दिव्यांगजनों के अनुकूल वॉशरूम, सिटी सीट हैंडल ब्रेल लिपि में इसमें सीट वगैरह होगी। जो जो ट्रेन है कहाँ से चली थी, रानी कमलापति स्टेशन, पहले हबीबगंज नाम हुआ करता था इसका, अभी रानी कमलापति स्टेशन हैगा, वहाँ से नई दिल्ली तक ट्रेन चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्हें हरी झंडी दिखाकर कर दिया था 1 अप्रैल को। स्थान कहाँ से रवाना कर दिया था इनको, रानी कमलापति स्टेशन से। मध्य प्रदेश के स्मार्ट जो शहर हैं उनको 7 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। कौन से, ऐसे के 8वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल 16 कैटेगरी में से, जैसे कि इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, इनको 2-2 अवार्ड, भोपाल सागर उज्जैन को 1-1 अवार्ड है ना, तो भोपाल उज्जैन सागर को 1-1 अवार्ड मिल जाता है। इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में, जबलपुर को गवर्नेंस इकोनॉमिक और सिटी लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला है, भोपाल को स्मार्ट पार्किंग कैटेगरी में, सागर को क्लीन सिटी कैटेगरी में, उज्जैन को महाकाल महालोक के लिए विशेष अवार्ड मिला है। यानी सीधा साएगा मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहरों को 7 कैटेगरी में अवार्ड मिले हुए हैं। युवा नीति 2023 करेगी पक्की युवाओं की क्षमता में वृद्धि, है ना, इस टाइप से ये भी एडवर्टाइजमेंट आएगा। मध्य प्रदेश के फार्म गेट को मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी अपन जीआई टैग वगैरह को पढ़ेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के फार्म गेट ऐप को मिला है 20वां SIGE गवर्नेंस अवार्ड। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, CSI के फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की प्रोजेक्ट कैटेगरी में मध्य प्रदेश को मिला है ये अवार्ड। यह ऐप एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे किसान अपनी मर्जी से अपनी उपज का विक्रय कर सकता है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य हैगा। इस प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहना मिली है। एमपी फार्म गेट ऐप का मध्य प्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में हो रहा है संचालन। अब तक इस ऐप का उपयोग कुल 91 लाख टन विभिन्न कृषि ऊर्जा उपजों के सौदों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। अब ये कहेगा अमृत सरोवर के निर्माण में मध्य प्रदेश अव्वल हैगा। जो अमृत सरोवर में जो लक्ष्य मिले हुए थे वो लगभग 2 गुना कार्य हो गया है।
जैसे कि मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य 3 या 900 रखा गया था, लेकिन अब तक वो कितना हो गया, 5 या 372 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से 2657 तालाब की जल भंडारण क्षमता 9 करोड़ घन मीटर रहेगी। सूखे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाब खुदवाए गए हैं। पीएम मोदी के मापदंडों के अक्षरांश इनका पालन हुआ है। युवा नीति का कार्य क्षेत्र वगैरह ये भी इस टाइप से, जैसे युवा पोर्टल वगैरह है, और आगे प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगा मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल एग्जाम, ये इस टाइप के। और भी मनरेगा में देश में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आएगा, ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, चौथे स्थान पर रहेगा। इसमें क्या है, 4 वर्षों में 36.54 से बढ़कर के 41.73% इसमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता के मामले में प्रदेश ने भी उत्तरोत्तर प्रगति की हुई है। और मनरेगा में प्रदेश में 2022 से 2023 में 20.17 लाख कार्य पूर्ण हुआ है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के खाते में जुड़ी 3 नई उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं उसको भी देख लेते हैं भाई। नगरीय विकास म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए 3 स्कॉच अवार्ड हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को धर्मपुरी सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए स्कॉच अवार्ड 2023 मिला है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना में सराहनीय कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। सागर स्मार्ट सिटी को सी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है, यानी 3 अवार्ड मिले हुए हैं स्कॉच अवार्ड वाले ना। स्वच्छता में भी मिसाल अपना भोपाल, देश में स्वस्थम राजधानी कौन सी है, भोपाल हैगी, ठीक है, ये नया कीर्तिमान आएगा। भोपाल जिले को ODF में 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ODF प्लस मॉडल कैटेगरी में भोपाल जिले को 5 स्टार रेटिंग मिली है। भोपाल जिले के 473 गांव ODF प्लस आएंगे। भारतीय संस्कृति परंपराओं को प्रोत्साहन, स्वस्थ भारत के लिए योग को बढ़ावा और पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं का प्रसार रहेगा। मध्य प्रदेश महाविद्यालय का नेक मूल्यांकन में लगातार प्रदर्शन रहा है, सराहनीय प्रदर्शन रहा है। शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर में इसको ए ग्रेड मिली है, और महाविद्यालय को नेक मूल्यांकन में 3.12 CGPA के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए ए ग्रेड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा 24 अप्रैल, अपन जानते हैं 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में होता है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था मध्य प्रदेश का। स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे इसमें किया थे मतलब, और प्रधानमंत्री जो आवास योजना इनके तहत 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश के साक्षी बनेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं उसका 100वां संस्करण हो चुका है ना, तो इसमें अपील की थी कि सब लोग इस पर आइएगा और सुनिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण, तो जो 100वां संस्करण हुआ था इसमें मन की बात था, 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार जुड़ना है इससे। और इसमें क्या 22 भारतीय भाषा थी, 29 बोलियों में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। 22 भारतीय भाषा 29 बोलियों में अनुवाद किया गया था। फ्रेंच और इंडोनेशिया जैसी 11 विदेशी भाषा भी थी इसमें। मध्य प्रदेश का जिला झाबुआ इसको देखते हैं। देखो जिला झाबुआ है भारत के बहादुर धनुष पुरुषों की क्या रही है, जन्मस्थली रही है। यह जिला आदिवासी हस्तशिल्प खासकर बांस से बनी वस्तुओं, गुड़िया, आभूषण और अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैगा, है ना। और दाल पनिया इस जिले का मुख्य व्यंजन हैगा, जिसे त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 1947 को भारतीय गृह मंत्री, उस टाइम पे कौन थे गृह मंत्री अपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था, अखिल भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी। तो दिल्ली के मेट कॉप हाउस में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूलों में भावी प्रशासन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो IAS UPS IAS होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इनकी संज्ञा दी थी। जैसे आजकल अभी जो क्वेश्चन आते हैं MPPSC प्री में, उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये कथन किसने दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 21 अप्रैल को अपना सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है,
जैसे कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो लोक सेवक नागरिक सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं और जनसेवा और कार्य में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हैं। हरदा में जनता की सहयोग से हर पंचायत में बन रहे हैं किताबघर से बच्चों तथा युवाओं के पढ़ने के प्रति रुझान बढ़ रहा है। कलेक्टर हरदा जनता के सहयोग से हर पंचायत में किताबघर बना रहे हैं। 3 माह में 101 ग्राम पंचायतों में 103 किताबघर बने हैं। किताबघर में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। जो हमीदिया अस्पताल है तैयार होगा स्किन बैंक, इससे बर्न केसेस में बचाई जा सकेगी मरीजों की जान। ई ग्राम स्वराज ऐप सभी पंचायतों की कामकाज के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म हैगा ये, है ना। और हर पंचायत में पेयजल की सुविधा के लिए ये भी हैगा। एमपी में सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ पे हैगा? सोलर पावर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से नागरिकों को मिल रही है सस्ती बिजली। रीवा सोलर प्रोजेक्ट 18 अक्टूबर में प्रारंभ हुआ, जैसा कि सबको पता है। पहले 8 रुपये प्रति यूनिट खरीदते थे बिजली, अब 2.97 प्रति यूनिट इनकी रेट हैगी। बिजली दरों में लगभग 5 रुपया कमी होगी, पहले 8 में से 3 रुपये घटा तो 5 रुपये की यूनिट की कमी आ गई है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, 6 उत्पादों के लिए 10 जिलों का चयन किया गया, जैसे कि कोदो कुटकी के लिए कौन सा जिला आएगा अपना, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला और सिंगरौली। कोदो कुटकू के लिए 4 जिले अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली। तुअर दाल के लिए नरसिंहपुर हो गया, चना के लिए दमोह हो गया, और बासमती चावल के लिए रायसेन हो गया, और जो चिन्नौरी चावल है इसको अभी जीआई टैग मिला है बालाघाट हो गया, और सरसों को भिंड भरना। प्रदेश में अन्य धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों में भी सोलर सिटी बनेंगे, जैसे कि सांची में अभी सोलर सिटी बन गया है, विकसित हो गया है। तो यहाँ की निवासी और निकायों को सोलर एनर्जी से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। निकाय अपने यहाँ सोलर पार्क तैयार कर खुद बिजली का उपयोग करेंगे, उपयोग के साथ बिजली बचेगी, उसे विद्युत वितरण कंपनियों को भी बेच दिया जाएगा। देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु कौन सा आएगा? करौंदी गांव आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु क्या आएगा? करौंदी गांव आएगा। एक इसके बारे में देख लो, गांव को ये करौंदी गांव है, भौगोलिक केंद्र आएगा भारत देश का। गांव को इसी खासियत की वजह से देश का कहा जाता है दिल कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली करक रेखा इस गांव से भी होकर के गुजरती है। खेती के लिए वरदान बनेगा कौन सा? बलराम ऐप। यह ऐप किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में एक साथ होगा लॉन्च। ऐप के माध्यम से मृदा को स्वस्थ रखना सीखेंगे किसान। किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों से मिलेगी राय। मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से मिली प्रोजेक्ट रन करने की जिम्मेदारी। अब जो केसीसी रहता है, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल आएगा। अब तक 2,36,331 किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को उपलब्ध कराए गए हैं। क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकों के लिए क्रेडिट लिमिट 3 लाख रुपये आएगा। नवीन क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 2 लाख रुपये का। क्रेडिट कार्ड धारकों को 2% और समय पर भुगतान करने पर 3% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जो शासकीय आयोजन नहीं होते हैं उसमें क्या होगा, जो मोटे अनाज जैसे बाजरा वगैरह होता है ना, उसको एम कंपलसरी कर दिया गया है। लंदन जाएगा, अब देखिएगा आगे से इम्पोर्टेंट हैं सब चीज़ें। लंदन जाएगा उमरिया नर्मदापुरम सीहोर सीधी का महुआ। महुआ कहाँ का महुआ? उमरिया नर्मदापुरम सीहोर सीधी का महुआ कहाँ जाएगा? लंदन जाएगा। देखो प्रदेश का 200 टन महुआ 110 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से लंदन में निर्यात होगा। वर्ष 2023 में की जाएगी अनुबंधित महुआ की आपूर्ति लघु वनोपज संघ द्वारा। कौन सा? लघु वनोपज संघ द्वारा खाद्य ग्रेड महुआ का नेट के माध्यम से कराया जाएगा इकट्ठा। इसको जिला अलीराजपुर का प्राकृतिक कट्ठीवाड़ा, यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध देगा। यह क्षेत्र विश्व की जो प्रसिद्ध आम प्रजाति है ना उसके लिए, उसके नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में यहाँ के प्राकृतिक झरना शुरू होता है,
जो किसका पर्यटकों का आकर्षक केंद्र होता है। जिला अलीराजपुर का प्राकृतिक कठीवाड़ा। श्रीअन्न जो शरीर को मजबूत बनाता है। श्रीअन्न क्या क्या होते हैं इसको देख लीजिएगा, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट पता लग जाएगा। देखो भारत में जो कौन कौन से श्रीअन्न हैंगे, उनके प्रकार क्या हैं और कैसे मजबूत बनाता है। देखो श्रीअन्न के कौन कौन से प्रकार है पहले देख लेते हैं, कि मोती हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, कंगनी हो गया, कोदो कुटकी हो गया, है ना, सामा हो गया, सामा बोलते हैं ना इसको, चैना हो गया, कुटकी हो गया, राजगिरी हो गया और कुट्टू हो गया, है ना। इस टाइप से अन्न के प्रकार हैं। ये क्या क्या फ़ायदा देते हैं कि हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है, हड्डियों के विकास और शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है, और रक्त में शर्करा को अनियंत्रित बढ़ाव को रोकता है, और शरीर में खून की जो कमी होती है यह खून बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। राजमाता विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्रों में होगी श्री अन्न की खेती। यानी क्वेश्चन सीधा जाएगा कौन सी जगह पर अन्न की खेती होगी, है ना, चार ऑप्शन जैसे दिए होंगे तो राजमाता विजय राजे सिंधिया में, है ना। कृषि विज्ञान केंद्रों पर खरीफ की फसल की जाएगी, मिलेट्स की खेती यानी बाजरा की खेती। विश्वविद्यालय के मतलब बड़े जो अन्न होते हैं ना उनको मिलेट्स बोल देते हैं और बाजरा को भी। विश्वविद्यालय के 22 कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 करोड़ में होगी मिलेट्स की उपज। मिलेट्स की खेती में विलुप्त हो चुके अनाज को प्राथमिकता दी जाएगी। जो श्री अन्न उपज करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रमुख राज्य राजस्थान हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रा और उत्तराखंड। विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़। उद्यानों ने बाघों की दुनिया भर में ख्याति अर्जित की है। यहाँ पक्षियों की भी 250 से अधिक प्रजातियाँ हैं। इसका समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र जीवों की बहुलता का समर्थन करता है। यह उद्यान उच्च घनत्व वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक सुखद आश्चर्य बना हुआ है। देश में 3,167 बाघ हैंगे, प्रदेश में 700 से अधिक हैंगे। हमारी विरासत हमारा गौरव। और यहाँ पर जिला डिंडोरी का घुघवा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म उद्यान है। घुघवा कहाँ पर आता है, डिंडोरी में आता है। यह उद्यान डिंडोरी से 70 किलोमीटर दूर घुघवा स्थित है। 75 एकड़ भूमि में बसा हुआ आएगा, करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म है। यहाँ पर घुघवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जीवाश्म के लिए है। इस उद्यान में जीवाश्म रूपी पौधे पाए जाते हैं जो भारत में करोड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। हमारी विरासत हमारा गौरव विश्व धरोहर पर यूनेस्को उप क्षेत्रीय सम्मेलन 17-18 अप्रैल 2023 में कुशाभा ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। जो सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत को सहेजने की रणनीति पर केंद्रित होगा ये सम्मेलन। भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका से लगभग 150 विशेषज्ञ, शिक्षाविद एवं प्रबुद्ध नागरिक इसमें शामिल होंगे। विगत 50 वर्षों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां एवं अगले 50 वर्षों की रणनीति पर इसमें विचार विमर्श होगा। मध्य प्रदेश का रीवा का किला, प्रसिद्ध रीवा का किला। इतिहास से भरे इस किले का निर्माण किसने करवाया था, रीवा के महाराज ने करवाया था। यह किला भारतीय संस्कृति एवं वास्तुकला का अछूता एक अनूठा उदाहरण है। यह किला सदियों पहले प्रचलित समृद्ध परंपरा एवं सांस्कृतिक संरक्षित करता है। शाही चांदी का सिंहासन हैगा, संग्रहालय हॉल का झूमर, हथियार गैलरी और सफ़ेद बाग गैलरी यहाँ पर घूमने का प्रमुख स्थल हैंगे। जिला डिंडोरी का प्रसिद्ध करोपनी प्राकृतिक हिरण पार्क, यह हिरण पार्क कहाँ पर आएगा, डिंडोरी में आएगा। यह अद्भुत पार्क डिंडोरी ग्राम के करोपानी में आएगा। यह पार्क मनुष्य और वन्य जीवों के आपसी सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ काले हिरण और चेतीदार हिरणों की दुर्लभ प्रजातियाँ आसानी से देखने को मिल जाती हैं। जिला निवाड़ी का प्राचीन शहर ओरछा। बेतवा नदी के तट पर बसे इस शहर पर मानव समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। इस शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा की स्थापना किसे, बुंदेला राजपूत 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ स्थित कई स्मारकों की मूल भव्यता आज भी बरकरार रहेगी।
यहाँ स्थित श्री राम राजा मंदिर अपनी अलौकिक दिव्यता के लिए विश्व विख्यात हैगा। सतना जिले का ऐतिहासिक वेंकटेश मंदिर हैगा, और वेंकटेश मंदिर कहाँ पे आएगा, सतना जिले में आएगा। विंध्य का इकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर सतना जिले के मुक्तियारगंज में स्थित हैगा। यह दक्षिण भारतीय स्थापित्य कला का जीवंत उदाहरण हैगा। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 1876 ईस्वी में हुआ है। मुरैना जिले का ऐतिहासिक ककनमठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैगा। 9 से 10वीं शताब्दी में ये बना हुआ था, प्रतिहार शासकों ने बना हुआ था, और यह मठ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैगा। मध्य प्रदेश के ककनमठ को मंदिर कहाँ पर आएगा, मुरैना में। सीधा क्वेश्चन आएगा ये, चंद्रेव से मंदिर और मठ ये कहाँ पे आते हैं, सीधी जिले में आते हैं। चंद्रेव ग्राम अपने अपने में एक गहरे ऐतिहासिक और धरोहर को समेटे हुए हैं। चंद्रेव से मंदिर चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने साधना एवं शैव सिद्धांत के प्रचार हेतु इसको बनाया था, कौन, चेदी शासकों ने। चंद्रेव से मंदिर सोन एवं बनास नदी के संगम पर स्थित हैगा। यह मंदिर पुरातत्व पर्यटन और संग्राम की संस्कृति का संगम हैगा। शाजापुर जिले का प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक हैगा, कौन, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ का, शाजापुर का। मुख्य मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान रहेगी। यह जैन तीर्थ स्थल करीब 2000 साल पुराना आएगा। हनुमान टेकरी गुना का बहुत प्रसिद्ध हैगा। टेकरी सरकार कहाँ पर आएगी, गुना में आएगी। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित मंदिर रहेगा। इस मंदिर में अति प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा आएगी। टेकरी सरकार या स्थान 7वीं शताब्दी पहले साधु संतों की तपोभूमि का केंद्र रहा होगा। अगला आएगा बीजासन देवी का प्राचीन मंदिर, देवास की शक्तिपीठ हैगी। इस टाइप के मंदिर वगैरह आएंगे। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, 6 रोगियों को स्वस्थ के लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थोड़े से जो जीआई टैग मिले हुए हैं। जैसे जबलपुर के जो पत्थर स्लिप होते हैं, जैसे अपन भेड़ाघाट पर जाते हैं तो जो पत्थरों से अपन नाम वगैरह लिख देते हैं वो, है ना, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है। यह पत्थर स्लिप भेड़ाघाट में मिलने वाले संगमरमर पर केंद्रित है। इसमें भगवान की मूर्तियाँ, नक्काशादी पैनल, सजावटी वस्तुएँ, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। इसका निर्यात कहाँ पे, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में होता है। इसके आवेदन क्रमांक 710 हैगा। दूसरा आएगा जो डिंडोरी की अगरिया समुदाय है ना, अगरिया लौह शिल्प को प्राप्त, लौह शिल्प बनाते हैं, जो कि गौड जनजाति की उपजाति है ये अगरिया, इनको जीआई टैग मिला हुआ है लौह शिल्प में। तो इस शिल्प में लोहे को गर्म करके पीट पीट कर उससे वांछित मोटाई के औजार बनाते हैं। इस स्लिप के माध्यम से सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आवेदन क्रमांक 697 आएगा, है ना। कौन सा, जबलपुर का पत्थर स्लिप और अगरिया समुदाय के जो डिंडोरी के अगरिया समुदाय हैं उनके लोह स्लिप को डिंडोरी जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के सरबती गेहूँ, जो लोकवन गेहूँ बोलते हैं इनको, ये जीआई टैग मिला हुआ है इनको। जैसे कि मध्य प्रदेश का सरबती गेहूँ बौद्धिक संपदा में शामिल हो गया है, जीआई टैग मिल गया है उसको। यह सीहोर विदिशा में उगाई जाने वाली क्षेत्रीय किस्म हैगी। इसकी प्रत्येक सुनहरी चमक होती है, सुनहरी चमक होती है इस टाइप से। आवेदन क्रमांक 699 आएगा। और ग्वालियर के हस्तनिर्मित कालीन, जो कालीन, काली पीली भी बोलते हैं ना इसको, तो विश्व पटल पर इसको जीआई टैग मिल गया है। ग्वालियर की हस्तनिर्मित कालीन को भी जीआई टैग मिल गया है। इसकी बुनाई भी चमकीली रंगों का उपयोग होता है इसमें। इसमें पशु पक्षी जंगल दृश्यों का रूपांकन होता है। ये कालीन ऊनी, सूती और रेशमी आधार होती हैं। इसका आवेदन क्रमांक 708 हैगा। देखो, कालीन, ग्वालियर की कालीन को मिल गया है। सरबती गेहूँ जो मध्य प्रदेश, इसको जीआई टैग मिल गया है। इसका क्षेत्र कहाँ पे आएगा, सीहोर विदिशा में आएगा, ठीक है। जो जबलपुर में जो भेड़ाघाट के आसपास जो पत्थर बनता है ना, उसको जीआई टैग मिल गया है। डिंडोरी का जो अगरिया जनजाति रहती है, लोह स्लिप बनती है, उसको भी ये जीआई टैग मिल गया है। आगे में देखते हैं, मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग को भी राष्ट्रीय पहचान मिल गई है, ठीक है। जो गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया है, ये मानव का प्राकृतिक के साथ जुड़ाव दिखाता है, प्रकृति के साथ में। इस जनजाति की चित्रकला की प्रथा गौंड जनजाति में प्रचलित रहेगी। 710 जीआई टैग नंबर आएगा। अब देश दुनिया में मिलेगी रीवा की सुंदरजा आम को। सुंदरजा आम कहाँ का है, रीवा का आएगा। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अपनी खासियत के लिए पूरी विश्व में प्रसिद्ध सुंदरजा आम आएगा। अपन जानते हैं गोविंदगढ़ को, जो बगीचा है वहाँ से विदेशों में, गोविंदगढ़ मतलब ये आम अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, है ना। और जो सुंदरजा आम होता है, इसको विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है, और शुगर के मरीज भी इसको खा सकते हैं।
और ये एक जिला एक प्रोडक्ट है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। अगले एक वाटिक जो प्रिंट है उज्जैन की वाटिक प्रिंट, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। यह उज्जैन की शिल्पकारों की एक प्राचीन कला आएगी, ये प्राचीन कला आएगी, ये सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसाद एक वाटिक प्रिंट है ना, और मोम से फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, 700 इसका संदर्भ क्रमांक है। तो इम्पोर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ख़त्म हो जाते हैं इस टाइप से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।